हेलो फ्रेंड्स, तनुज किचन.com में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं थंडाई विथ प्रीमिक्स। तो फ्रेंड्स, आइए हम देख लेते हैं प्रीमिक्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हमने लिया है यहाँ शुगर 1 कप, 1 प्लस हाफ टेबल स्पून सौंफ लिए है बारीक वाली मैंने यहाँ, काजू लिए हैं मैंने यहाँ 12 से 15 पीस और बादाम लिए हैं 10 से 15 पीस, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ खसखस ली है और 1 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ तरबूज के बीज लिए हैं, 20 से 25 मैंने यहाँ पिस्ता लिए हैं और ये मैंने लिया है यहाँ पर केशर सिरप। ये ऑप्शनल है, अगर आपको ना मिले तो आप ना लीजिए। ये मैंने 5 से 6 इलायची हैं जिन्हें छील लिया है और कुछ मैंने पीस यहाँ पर 15 से 20 काली मिर्ची के लिए हैं। तो आइए हम प्रीमिक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारा चटनी का जार होता है ना, उसी जार के अंदर सौंफ, काली मिर्ची और इलायची, इन तीनों को ही हम महीन सा पाउडर तैयार कर लेंगे इसका। और जब हम इसको पीसते हैं तो उसके साथ अगर हम शुगर को ऐड कर देते हैं तो वो पीसने में आसानी हो जाती है, इलायची और जो काली मिर्च है वो अच्छे से पीसा जाती है। सो हम थोड़ी सी इसमें शक्कर ऐड करके और इसका हम पाउडर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसका पाउडर तैयार कर लिया है और अब हम इसको छान लेंगे ताकि जो हमारे सौंफ या इलायची उसमें जो भी कुछ दरदरापन रह गया है उसको हम छान के निकाल लेंगे और ये अच्छे से छन जाएगा। ये देखिए, आप थोड़ी सी मोटी छन्नी लेना चाहे तो उससे भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इस छन्नी से किया है और देखिए इसमें आराम से हमारा जो पाउडर है वो निकल चुका है। और जो बचा हुआ पाउडर जो बच जाएगा उसको हम वापस से मिक्सर में से निकाल लेंगे। तो ये देखिए, हमारा जो पाउडर है वो छन चुका है और बचा हुआ जो पाउडर है इसको अब हम वापस से मिक्सर में डाल के इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, ये जो हमारा पॉट है उसी के अंदर हम अब हमारे तरबूज के बीज और खसखस को भी ऐड कर लेंगे, बादाम डालेंगे हम, तो इसमें से कुछ बादाम हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। तो ये इतने पीस मैंने गार्निशिंग के लिए बचा लिए हैं। सेम इसी तरीके से हम काजू भी ऐड करेंगे और काजू के भी कुछ पीस हम गार्निशिंग के लिए छोड़ देंगे। तो ये इतने पीस मैंने इसको गार्निशिंग के लिए छोड़ दिए हैं। और पिस्ता में भी हम सेम यही करेंगे कि पिस्ता के भी हम कुछ पीस गार्निशिंग के लिए छोड़ेंगे और बाकी का पिस्ता हम हमारा पाउडर बनाने के लिए तैयार कर लेंगे। और अब इसके अंदर जो हमारी बची हुई शक्कर थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। शुगर आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यह शुगर ली है। तो अगर आप कम करना चाहें तो कम कर दीजिए और बढ़ाना चाहें तो आप शुगर इसमें बढ़ा सकते हैं। तो अब इसको भी हम पाउडर तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारा पाउडर बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसे भी हम छान लेंगे। अगर फ्रेंड्स आप चाहें कि आपको इसे नहीं छानना है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, पर मैं इसलिए छान रही हूँ ताकि हमारी जो ठंडाई है वो बिल्कुल फाइन तैयार हो, एकदम स्मूथ ठंडाई तैयार हो। तो इसके लिए मैं इसे छान ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो इस प्रोसेस को आप स्किप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ठंडाई के फ़ायदे आप सब जानते ही हैं, लेकिन मैं भी आपको बता देती हूँ कि गर्मी के दिनों में जब बहुत ज़्यादा हमें गर्मी लगती है उस टाइम अगर आप ठंडी ठंडी ठंडाई को पीते हैं तो उसमें आपके पेट में जलन, एसिडिटी, छालों में भी आराम पड़ता है और दिमाग को हमारी ठंडाई बहुत ज़्यादा ठंडा रखती है। तो ये देखिए, हमारा जो ये बचा हुआ छन्नी में बचा हुआ जो पाउडर है इसको हम रख सकते हैं या आप इसको बाद में कुछ किसी और प्रोडक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको छान के इसका प्रीमिक्स बिल्कुल तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये प्रीमिक्स जो है वो अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम नीचे और ऊपर के पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस ठंडाई को हम कम से कम 1 से 1.5 महीना एयर टाइट कंटेनर में रख के स्टोर कर सकते हैं और जब भी हमें ठंडाई बनानी है हम फटाफट इसको यूज़ करके ठंडाई रेडी कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको ठंडाई बनाना सिखाती हूँ। तो ये प्रीमिक्स हमारा रेडी हो चुका है और इसको अब हम एक टाइट कंटेनर में पैक करके रख सकते हैं। तो आइए अब हम ठंडाई बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ठंडाई आज 2 टाइप से बना के दिखा रही हूँ। सबसे पहले हमने एक कप दूध लिया है, 1 ग्लास दूध, और इसको अब हम
3 टेबल स्पून इसके अंदर हम ठंडाई पाउडर ऐड करेंगे और इसको इसी तरीके से आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारे जो बादाम काजू पिस्ता है ये थोड़ा सा फूल जाए दूध में, और उसके बाद हम इसकी ठंडाई पूरी तैयारी करेंगे। और सेम सेकंड तरीके से हम बनाएंगे। तो यहाँ मैंने एक बर्तन लिया है और अब इसको हम गैस को ऑन कर देंगे और इसके अंदर भी हम 1 ग्लास दूध ऐड करेंगे और इसमें अब हम सेम उतनी ही 3 टेबल स्पून ही हम इसके अंदर ठंडाई पाउडर को ऐड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ठंडाई पाउडर डालने के बाद में हम जो दूध को गर्म करेंगे तो हम गरम गरम ही इसे यूज़ ना करें, इसको हम ठंडा करने के बाद में ही ठंडाई पिए, क्योंकि गर्म दूध के अंदर हमें ठंडाई को कभी भी नहीं लेना चाहिए, ये हमें बॉडी में टेम्परेचर को हाई करती है। सो ये देखिए, अब इसके अंदर मैं इसके अंदर जो हमारा केशर का सिरप है वो डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये केशर है, इसके अंदर थोड़ा सा कलर है और साथ में इसके अंदर केशर और इलायची का एसेंस है। तो अगर आप स्किप करना चाहे तो छोड़ दीजिए, इसके अंदर आप थोड़ा सा केशर ऐड कर दीजिए। ये देखिए, हमारे दूध में उबाल आ चुका है और जैसे ही हमारा दूध उबलने लग गया, ये देखिए काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है। तो बस एक उबाल अच्छे से आ जाए उसके बाद ही हम गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए, हमारा दूध में बहुत अच्छे से उबाल आ चुका है, काफ़ी थिक भी हो चुका है, और अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसको फ्रिज में भी ठंडा कर लेंगे। तो हमारी ठंडाई एक दूसरे टाइप से इस तरीके से तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो पहले वाली ठंडाई था ये हमारा 30 मिनट रख के हो चुका है। अब हम एक मिक्सर का पॉट ले लेंगे जिसमें हम जूस तैयार करते हैं और उसके अंदर हम हमारा जो ठंडाई का दूध है उसको ऐड करेंगे। और इसके अंदर मैं 4 से 5 क्यूब बर्फ के ऐड करूँगी, आइस क्यूब्स। और इसके अंदर अब हम जो हमारा केशर सिरप है वो थोड़ा सा ऐड करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसको डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने इसमें डाला है। और अब हम इसको चर्न कर लेंगे अच्छे से ताकि ये हमारा अच्छा शेक तैयार हो जाए। तो ये देखिए, दोनों ठंडाई रेडी है। तो ये मैंने जो 30 मिनट रख के जो बनाई है ये वो ठंडाई है, और दूसरी जो हमने दूध में उबाल करके बनाई है ये दूसरी ठंडाई है, इसको भी मैंने फ्रिज में से ठंडा कर लिया था इसलिए मैंने इसमें आइस नहीं डाला है। तो दोनों टाइप से मैंने ठंडाई बना के आपको दिखाई है और अब हम इसको थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे काजू और बादाम से इसे गार्निश कर रही हूँ। देखिए, काजू और बादाम से इसको मैंने गार्निश किया है और जो हमारा अब पिस्ता है उससे हम इसे गार्निश करेंगे। देखिए, पिस्ता डालते ही जैसे ग्रीन कलर डाला है तो हमारी ठंडाई जस्ट डबल लुक इसका चेंज हो चुका है, बहुत सुंदर दिखने लगी है। तो मैंने इसे पिस्ता से भी गार्निश कर दिया है। और ये देखिए, ये हमारे प्रीमिक्स से बना हुआ जो हमारे ठंडाई है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस प्रीमिक्स को आप 1 से 1.5 महीने स्टोर करके आराम से रख सकते हैं और फटाफट हमारी ठंडाई इस तरीके से तैयार हो जाती है। सो दोनों टाइप से मैंने आपको ठंडाई बनाना सिखा दी है। तो फ्रेंड्स, आपको ये ठंडाई की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर 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 कमेंट्स करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरे सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन